गाइस लेकर आ गया हूँ मैं एक और न्यू एनीमे। तो आज से जिस एनीमे को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है लव जुनूबियो एंड अदर डिल्यूजन्स। तो अगर आप लोगों ने इसका नाम सुना है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं सुना है तो बना लो फिर अच्छी बात। तो ये जो एनीमे है ये एक रोमांस कॉमेडी टाइप का एनीमे है जो कि 2012 में रिलीज हुआ था। इसमें टोटल 2 seasons है और 2 movies हैं। तो अगर फर्स्ट सीजन की बात कर लूँ मैं तो इसमें टोटल 12 episodes हैं और 1 OVA है और 6 light episodes। तो फिलहाल के लिए शुरुआत करूँगा मैं इसके season 1 के episode number 1 से। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो बिना टाइम फोड़े लेट्स फ्रिकिन बिगिन। एपिसोड की स्टार्ट में हमें बताया जाता है एक फ्रेज के बारे में, 8 Great Syndrome या फिर चिनूबियो, जो कि इस एनीमे के नाम में भी है। तो हमें बताया जाता है कि यह डेवलप होता है जब बच्चे 8th grade के एंड में होते हैं। यह एक खतरनाक बीमारी है जिससे बच्चों के बिहेवियर में चेंज आता है। जैसे कि कल तक जो बच्चा मांगा पढ़ता था आज वो नॉवल्स पढ़ने लगा, और कुछ बच्चों को लगता है कि उनमें स्पेशल पावर्स हैं। अब एक लड़के को दिखाया जाता है और बताया जाता है कि यह परफेक्ट एग्जाम्पल है 8th grade syndrome का। ये अपने आप को डार्क फ्लेम मास्टर कहता था, और प्रेजेंट में ये लड़का जो हरकतें करता था वो याद करके कह रहा होता है ये सब बहुत एम्बेरसिंग है, और वो अपना सारा पुराना सामान एक बॉक्स में डाल के बाहर ले जाता है। तभी ये सामने देखता है तो ऊपर से एक रस्सी आती है और उसमें से एक लड़की नीचे आ रही होती है। ये उसका पैर पकड़ के नीचे रखता है। ये लड़की कहती है क्या तुमने देखा? ये कहता है नहीं। ये लड़की कहती है क्या देखना चाहते हो? और फिर तभी तेज़ हवा चलने लगती है और ये लड़की नीचे चले जाती है। नेक्स्ट सीन में इस लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम है यूटा टोगाशी। ये अपनी बहन से बोलता है हे कुजुआ मैं कैसा लगता हूँ? ये कहती है नॉर्मल। ये सुनकर ये काफ़ी खुश हो जाता है। अब ये बाहर जाती है तो बॉक्सेस देख के कहती है ये सब क्या है? यूटा कहता है सॉरी ये मेरा है, मैं ये सब बाद में फेंक दूंगा। कुजुआ कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने अपने पैसे इन सब में बर्बाद करे। जब तुमने ये ख़रीदा था तो क्या तुमने कुछ एम्बेरसिंग चीज़ें नहीं बोली थी, जैसे कि अब ये दुनिया मेरी है? ये कहता है नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। कुजुआ कहती है हाँ तुमने कहा था, तुमने अजीब सा कोट पहना था। और तब ये कहता है हाँ हाँ बस बस ठीक है ये सब बकवास चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तभी इसकी मॉम और दूसरी बहन उठ जाती है। आज यूटा के हाई स्कूल की एंट्रेंस सेरेमनी होती है, तो ये ट्रेन स्टेशन में जाता है जहाँ पे ये एक लड़की से टकराता है जिसने इसकी जैसी सेम यूनिफॉर्म पहनी होती है, और ये देख के ये गैस कर लेता है कि ये भी इसी के स्कूल की होगी। तभी वही लड़की जो इसे रात में दिखी थी इसके सामने से गुजरती है, और ट्रेन के आते ही अपना हाथ आगे करती है और ट्रेन के गेट खुल जाते हैं और ये स्माइल करते हुए अंदर चले जाती है। ये सब देखने के चक्कर में यूटा की ट्रेन ही छूट जाती है और ये स्कूल के लिए लेट हो जाता है। ये भागते हुए जाता है अब स्कूल की तरफ और क्लास के अंदर पहुंचता है। यहाँ पे ये देख के कहता है क्लास में कि यहाँ मैं किसी को नहीं पहचानता, इसीलिए तो मैंने ये स्कूल चुना। अब ये बाहर जाके याद कर रहा होता है अपनी पुरानी हरकतें जब ये क्लास में अजीब तरीके से बिहेव करता था, जैसे कि इसमें कोई पावर्स होंगी और ब्लैक फ्लेम ड्रैगन जैसी अजीब अजीब चीज़ें बोल रहा होता है क्लास में, और प्रेजेंट में ये उन सबको याद करके काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस्ड फील कर रहा होता है। यहाँ इस स्कूल में ये अपनी इमेज वैसी नहीं बनाना चाहता है और कहता है यहाँ मुझे कोई नहीं जानता है, और एक्टिंग करने लगता है फिर पहले की तरह और कहता है मेरा नाम है डार्क फ्लेम मास्टर, और ये सब ये लड़की भी देख रही होती है नीचे से। अब नेक्स्ट सीन में ये क्लास में जाके बैठ जाता है। एक लड़का इससे पेंसिल मांगता और पूछता है कि ये कौन से स्कूल से आया है। यूटा बताता है कि ईशियामा। ये कहता है वो तो यहाँ से काफ़ी दूर है, वैसे मैं भी यहाँ किसी को नहीं जानता, मैं उमाकोटो ईशी की। यूटा भी अपना नाम बताते और मन में खुश हो रहा होता है ये बोल के कि अब मैं भी नॉर्मल स्कूल लाइफ जी पाऊँगा। अब माकोटो इससे लड़कियों के बारे में पूछने लगता है और कहता है काफ़ी हॉट है ना यहाँ पे लड़कियाँ, और यूटा लड़कियाँ देखने लगता है और फिर उसकी नज़र उसी लड़की पे पड़ती है जो इसे ट्रेन स्टेशन पे मिली थी, और कहता है तो ये भी सेम क्लास में है। माकोटो कहता है तो तुम्हें निबुटानी पसंद है? ये है शिंका निबुटानी, ये मेरी लिस्ट में 1 पे है। ये सुनकर यूटा कहता है क्या ये डेस्टिनी तो नहीं? लेकिन तभी इस लड़की को अपने सामने देखता है। ये कहती है तो मैंने फाइनली तुम्हें ढूंढ ही लिया, और अपनी आँख पकड़ के कहने लगती है मेरी आई रिएक्ट कर रही है। माकोटो कहता है तुम इसे जानते हो?
यूडा बोलते नहीं। ये कहती है, कितने साल गुजर गए तुम्हें ढूंढते ढूंढते। मार्केटो कहता है, ये तो कन्फेस कर रही है तुम्हें। मुझे तो जलन हो रही है। यूटा कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। और ये इस लड़की को देख के समझ जाता है कि इसे भी चिनोबियो है। नेक्स्ट सीन में यूटा इसे आई ड्रॉप निकाल के देता है और पूछता है, तुम्ही थी ना मेरी बालकनी में कल, तुम वहाँ कर क्या रही थी? ये कहती है, मेरी आई ने रिएक्ट करा। हम एक दूसरे को एंशियंट टाइम से जानते हैं। जब मैंने तुम्हें देखा, मेरी आँख ने हमारी डेस्टिनी रिवील करी। इसलिए मैंने मौका ढूंढा तुमसे दोबारा मिलने का। और फिर आई ड्रॉप को टेस्ट करके कहने लगती है डार्कनेस वगैरह जैसी चीज़ों के बारे में, जिसे देख के यूटा कम्प्लीटली समझ जाता है कि ये चिनोबियो से सफ़र कर रही है। अब ये कहती है, विकेड आई के पास डार्कनेस की पावर है और कोई भी प्योर चीज़ जैसे कि होली वाटर ये नहीं झेल सकती। हमें केयरफुल रहना होगा डार्क फ्लेम मास्टर। और यूटा की डार्कनेस वाली लाइन बोलती है। ये सुनकर यूटा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, तुम्हें यह कैसे पता? ये कहती है, विकेड आई किसी भी इल्यूजन के थ्रू देख सकती है। लेवल 7 का मैजिक यूज़र जैसे कि तुम भी इससे नहीं बच सकते। लेकिन यूटा इससे पूछते जाता है कि तुम्हें यह पता कैसे चला, और परेशान करने लगता है इसे जब तक ये इसे बता ना दे। फाइनली ये कहती है, मैंने ये जिम के बाहर सुना था। यूटा इसे इसके बारे में किसी को भी बताने से मना करता है। और ये कहती है, मैं समझ गई, तुम फाइनली लेवल 8 के मैजिक यूज़र बन गए हो। ये सुनकर यूटा कहता है, ये बस एक 8 ग्रेड सिंड्रोम था। मैं डार्क फ्लेम मास्टर नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ, और तुम भी। लेकिन ये सब ये मानने से मना कर देती है। यूटा कहता है, ये विकेड आई जैसी चीज़ें एग्जिस्ट भी नहीं करती है। ये लड़की कहती है, क्या तुम देखना चाहते हो मेरी आँख? यूटा कहता है, ठीक है फिर दिखाओ मुझे। और ये लड़की यूटा के पास आने लगती है। यूटा नीचे गिर जाता है। ये अपनी आँख दिखाने लगती है और उसमें से तेज रोशनी निकलती है। ये देख के यूटा कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, और कहता है, पीछे हट जाओ। लेकिन ये यूटा के ऊपर गिर जाती है और इसकी आँख भी नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि इसने कलर्ड कॉन्टैक्ट पहना होता है जो नीचे गिर जाता है। ये देख के यूटा इस पर चिल्लाने लगता है। इसके बाद यूटा इसकी आँख में आई ड्रॉप डालता है और कहता है, इस सब के बारे में किसी को मत बताना। ये कहती है, लेकिन तुमने मेरी विकेट आई देख ली है, हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है। ये सब सुनकर यूटा यहाँ से जाने लगता है। अब इनकी एंट्रेंस सेरेमनी चल रही होती है, जिसमें शिंका स्पीच दे रही होती है, क्योंकि ये इनकी क्लास रिप्रेजेंटेटिव होती है। नेक्स्ट सीन में इनकी क्लास ख़त्म हो जाती है। माकटा यूटा को इनवाइट करता है उसके साथ लंच करने चलने को, और उसके दोस्त भी आ रहे होते हैं कुछ साथ में। ये सुनकर यूटा खुश हो जाता है, क्योंकि पहले वाले स्कूल में वो अकेला लंच करा करता था। और कहता है, क्या तुम सच में मुझे इनवाइट कर रहे हो? माकटो कहता है, कहीं तुमने टाकानाची को प्रॉमिस तो नहीं किया ना एक साथ घर जाने का? और ऐसे यूटा को इस लड़की का नाम पता चलता है, जिसका नाम है रीका टाकानाची। यूटा कहता है, हमारे बीच कुछ भी नहीं चल रहा है। अब माकटो को उसके फ्रेंड्स बुलाते हैं, और तभी इनके टीचर यूटा को बुलाती है और कहती है, इसने अपना वॉलेट खो दिया है, तुम इसके साथ घर चले जाओगे क्या? इसे टाउन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। यूटा कहता है, मगर मैं ही क्यों? इनकी टीचर कहती है, तुम दोनों के घर पास में है इसलिए। और यूटा को पता चलता है कि ये इसके ऊपर वाले घर में ही रहती है। अब ट्रेन स्टेशन में यूटा माकटो को कॉल करके मना कर देता है लंच पे चलने को। यूटा अब टाकानाची से पूछता है कि तुम यहाँ कब आई? ये कहती है, हम यहाँ परसों आए, जो ऊपर ऑफिस लेडी रहती है वो मेरी सिस्टर है टोका टाकानाची। यूटा कहता है, तो तुम अपनी बड़ी बहन के साथ रह रही हो यहाँ पर? रीका कहती है, ये तो बस दूसरों को बताने के लिए है, असलियत में टोका एक पावरफुल सोर्सरर है। जब वो अपनी पावर अवेकन करती है, मैं तो उसके सामने कुछ नहीं, फिर चाहे मैं अपनी विकेट आई का ही क्यों ना यूज़ कर लूँ, वो काफ़ी स्केरी है। यूटा कहता है, मैं सरप्राइज नहीं हूँ कि वो तुम पे गुस्सा करती है ये सब बकवास सुनने के बाद। रीका कहती है, यूटा मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, इससे हम बैरियर ब्रेक कर देंगे और इथर्नल होराइजन ढूंढ लेंगे। और फिर यूटा को अपनी नई टेक्निक दिखाती है। यूटा कहता है, तुमने रोलर शूज़ पहने हैं, क्या तुम बच्ची हो? लेकिन ये यूटा की सुनती ही नहीं और कहती है, ये कूल है। अब यूटा इससे कहता है, क्या जूस लोगी? ये मेरी तरफ से। लेकिन ये यहाँ भी ड्रामा करने लगती है और यूटा को फिर कहती है, कॉइन डालो। और इस सब के चक्कर में इनकी ट्रेन निकल जाती है। अब ये दूसरी ट्रेन से घर की तरफ जाते हैं, और वहाँ पर यूटा की बहन ऊपर से इसे आवाज़ मार के बुलाती है और कहती है, डिलीवरी वाला यहाँ पर ये मिस टाकानाची के लिए लाया था, और वो घर पर नहीं थी तो उसने ये सब यहाँ पे छोड़ दिया। यूटा कहता है, क्या ये सब तुम्हारा है? और इसे मारने लगता है। यूटा की बहन पूछती है कि ये कौन है। यूटा बताता है कि ये टाकानाची की छोटी बहन है और ये ऊपर रहेंगे। और रीका से बोलता है, इन सब में आखिर है क्या? रीका कहती है, ये सब कीमती खजाना है।
यूटा बोलता है, इसका मतलब ये सब बस कूड़ा कबाड़ा है। और फिर एक अम्ब्रेला निकालती है रीका और कहती है ये एक वेपन है। अब यूटा इसकी हेल्प करता है सभी बॉक्सेस ऊपर रखवाने में, और बॉक्सेस रखते रखते यहाँ पर रात हो जाती है। यूटा कहता है तुम्हारी सिस्टर कहाँ पर है? रीका बताती है कि वो हमेशा लेट आती है घर पे। नेक्स्ट दिन में रीका इनके साथ डिनर कर रही होती है, कुजुआ रीका से बोलती है कि तुम्हारी आँख को क्या हुआ, और ये यहाँ पर फिर वही विकेट आई वाले ड्रामे शुरू कर देती है। यूटा कहता है चिंता मत करो, इसकी आँख को कुछ नहीं हुआ। तभी यूटा की छोटी बहन यूमेहा आके इसकी शॉर्ट से इसे मारती है। यूटा कहता है तुम ऐसे मत चलाओ इसे यहाँ पे। यूमेहा कहती है ये बहुत कूल है। यूटा कहता है नहीं ये नहीं है। रीका भी कहती है हाँ ये कूल है। अब यूटा की मॉम बोलने लगती है कि मुझे याद है तुम इस स्वॉर्ड को लेके मैजिक स्पेल्स बोला करते थे पहले। लेकिन यूटा इन्हें भी सुना देता है। अब यूटा बालकनी में जाता है और जाके कहता है मैंने उन्हें कहा था कि इस कूड़े को हाथ मत लगाना। तभी रीका आके कहती है इनमें डार्क फ्लेम मास्टर की पावर्स हैं। यूटा कहता है मैं तुम्हें 100 बार बोल चुका हूँ कि मैं अब डार्क फ्लेम मास्टर नहीं हूँ। रीका कहती है क्यों? यूटा बोलता है क्योंकि ये एम्बैरेसिंग है। रीका कहती है लेकिन ये कूल है। यूटा बोलता है इसमें कुछ भी कूल नहीं है, ये सब बेवकूफ़ी के काम है, इसमें कुछ भी रियल नहीं है, ये बस बच्चों का खेल है। रीका कहती है ये मैटर करता है। और यूटा के बार बार मना करने के बाद भी रीका यही बोलते जाती है और कहती है प्लीज़ इसे मत फेंको। ये सुनकर यूटा अपने डायलॉग बोलता है फिर से डार्कनेस की फ्लेम्स में जल जाओ और चले जाओ। और फिर ये सब बॉक्सेस उठा के रख देता है और कहता है गलत मत समझना, मैंने सोचा ये काफ़ी कीमती है फेंकने के लिए, मैं इनको बेच के थोड़े पैसे कमा सकता हूँ। ये सुनकर रीका खुश हो जाती है। यूटा कहता है चलो अंदर चले, अगर ज़्यादा देर यहाँ पर खड़ी रही तो कोल्ड हो जाएगा तुम्हें। और ये दोनों अंदर चले जाते हैं फिर। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। सो गाइज ये था इस एनीमे का एपिसोड नंबर 1। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा नहीं भी लगा है तो अच्छा लगा लो फिर। तो लाइक कर देना इस वीडियो पर, नीचे कॉमेंट कर देना, और जो भी लोग पहली बार टपके हैं इस चैनल पर वो सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही ऑसम कॉन्टेंट देखने के लिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। Bye.